10 days journey, which has been very sweet in SBI. So for Rasmalai, what we will do is we'll take 2 liters of milk. 2 liters of milk. It will be divided into 2 containers, and as we are only given the 2 stoves, so the team has divided to make first Rasmalai because. कंपटीशन का हम ग्रुप 2 है तो हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि हमें जो थीम दिया गया है टेस्ट ऑफ एसबीआई उसे कैसे दिखाना है तो हम जिसमें मैं पहले अपने चावल भिगा दूंगी थोड़े गर्म पानी में ताकि वो अच्छे से शेप गेन कर ले. उसके बाद मैं देवेश हमारी हेल्प कर रहे हैं सब्जियां काटने में और उनको सारी चीज़ें अवेलेबल करा के देने में, जिसमें से सबसे पहले मैं गोभी जो फूल गोभी रहती है उनको वॉश करके तल लूँगी जिससे कि वो मैशी मैशी ना हो. उसके बाद हम जल्दी काम करके जो खड़े मसाले रहते हैं हम उन्हें तल के उसमें फिर हमारे गरम मसाले डाल के सारी सब्जियां मिक्स करके और फिर 10 मिनट में हमारा चावल भी रेडी हो जाएगा. हम मिक्स कर दें. इसमें मेरी थर्ड डिश है जो कि है साउथ से उत्पम. तो उत्पम के लिए जैसे ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था मैंने जो सूजी थी उसको दही में मिला के रख दिया था फर्मेंट होने के लिए ताकि वो प्रूफ हो जाए और उससे फ्लफी उत्पम बनेंगे. उसके साथ ही साथ मैंने जो है सारी वेजिटेबल्स कैप्सिकम अनियन टोमेटोज सब चॉप कर लिए थे और उसको एक शेजवान चटनी में मिला के रख लिया था. पिज्जा उसको थोड़ा स्प्रेड किया थिकनेस उसकी देख के कि कितनी अच्छी लगेगी खाने में और उसके बाद उसके ऊपर जो सब चॉप वेजिटेबल्स थे उनको स्प्रेड करके थोड़ा पैट कर दिया. और नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली बिष्ट, मैं ग्रुप 2 से हूँ और आना है पंजाब का पनीर टिक्का जो चटपटा है. तंदूर हम तंदूर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए हम इसको फ्राइंग पैन में कैसे बनाएंगे फ्राइंग पैन में बनाएंगे. उसके लिए हमने सबसे पहले पनीर लिया है, पनीर जो सब लोगों को पसंद आता है बेसिकली. और पनीर को उस फ्राई करके तल के कैसे उसको तंदूर वाला एक एरोमा उसको प्रोवाइड करना है वो हमने दिया है. साथ में हमारे मेरे सहयोगी देवेश ने सब्जियां चॉप कर ली हैं और उनको भी साथ में हमें फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद उन सबको एक साथ प्लेटर में करना है और उस ऊपर से कस्तूरी मेथी से गार्निश करना है. सो ऐसे तरीके से हमारी पनीर टिक्का डिश तैयार होगी जो मैं आशा करती हूँ कि सब लोगों को बहुत पसंद आएगी और अच्छे से सब हुआ तो हम इस कॉम्पिटिशन को ज़रूर जीतेंगे. नमस्कार, मेरा नाम अंगिता जोशी है. हमारा जो थीम है कुकिंग कंपटीशन का वो है माय टेस्ट ऑफ एसबीआई. तो जैसे कि अनुषा ने आपको बताया हमारा जितनी देर में क्योंकि 2 स्टोव है तो जितनी देर में दूध उबल रहा है उतनी देर में मैं लच्छे पराठे के आटे का मैं उसको गूंध रही हूँ. तो उसमें हम लोगों ने अजवाइन घी नमक एंड दही डाला हुआ है जिसको हम बाद में रेस्ट करने को छोड़ी. ही देर में उज्ज्वल और चेतन ने पनीर बटर मसाला के लिए उन्होंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर रखा है और मैंने सारे खड़े मसालों को अलग से पहले से ही अलग करके रखा है कि हम उनको जल्दी से जैसे ही दूध उबलता है वैसे ही हम तुरंत उनको उबालने डाल सकें. तो उसके बाद ही हमारा जल्दी जल्दी सारा प्रिपेयर होगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूध उबल चुका है तो उसको उठा के मैंने कढ़ाई में घी एंड सारे उसमें हमने सारी वेजिटेबल्स को हम कुक कर रहे हैं जिसको हम बाद में पेस्ट बना के पीसेंगे. उसी में हम क्रीम और पनीर को डाल के ऊपर से कसूरी मेथी डाल के गार्निश करेंगे और उसको फिर लच्छे पराठे के साथ. Thank you.
मिलकर थोड़ा सा आपको फील देना पनीर मसाला एंड बस देखने का अच्छा है अंदर से, जैसे SBI हम सब लोग बाहर से जो देखते हैं उनको लगता है अच्छा है अंदर कितना वर्क है, तो जो स्पाइस आप लेंगे वो स्पाइस और स्वीटनेस सारी उसमें कवर हो जाएगी, सेम एज फॉर SBI की यहाँ पे जो अच्छा भी है खराब भी है, हर दिन खराब भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, खराब है या बाहर से जज करते हैं लेकिन अंदर से हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं, कितने प्रोसेसेस करते हैं, तब जाकर के उनको बेस्ट सर्विस दे पाते हैं, वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी लच्छा पराठा सर बस ऊपर का नहीं है, गोल गोल है पूरी एकदम गुड़िया गोल है। तो सर यहाँ पे हमारे स्कूल मेट्स इनको मिले हैं और कॉलेज के भी मेरे जूनियर्स इनको मिले हैं, जैसे कल DGM सर ने बोला था कि 20 साल बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से टकराएंगे, तो लच्छा पराठा उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर स्वीट डिश में हमारी रसमलाई है सर, अभी तक के हमारे 10 days SBI में बहुत स्वीट रहे हैं, तो हम विश करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छे रहे। Thank you. Very good.